हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आपने मेरी लाज रख ली, इसलिए मुझे अपने चरण छूने दो। अरे नहीं पितामह, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। नहीं प्रभु नहीं, ये सब आपने मेरे लिए ही किया है। कोई जाने न जाने, परंतु मैं जानता हूं कि आपने अपने इस तुच्छ भक्त की बात रखने के लिए ही सुदर्शन धारण किया है। परंतु अर्जुन, तूने मुझसे मुक्ति का वो क्षण छीन लिया है। जा, अपने रथ पर जा। जा अर्जुन, पूरी शक्ति से प्रहार कर। एक क्षत्रिय योद्धा की भांति, एक पोते की भांति नहीं, जा। प्रभु ने सुदर्शन चक्र धारण करके इस युद्ध में शस्त्र ना धारण करने की अपनी प्रतिज्ञा भंग की है। हाँ देवी, प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र धारण किया, क्योंकि ये आवश्यक हो गया था। परंतु क्यों भगवान? अधर्म को धर्म पर विजय प्राप्त करने से रोकने के लिए देवी। तुम मेरे भाई हो, तिलक सभा में तुम्ही ने मेरी लाज की रक्षा की थी, जबकि मेरी लाज की रक्षा की पहली जिम्मेदारी उनकी है जिनकी मैं अर्धांगिनी हूं। एक तुम्हारे अतिरिक्त किसी को मेरे मान अपमान की चिंता नहीं है। केशव, बीती बातों को भूल जाओ पांचाली, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अर्जुन ने मुझे सुदर्शन का प्रयोग करने से रोकते हुए यह प्रतिज्ञा की है कि अब वो डटकर युद्ध करेगा। जब तक पितामह जीवित हैं, तुम अपना धर्म नहीं निभा सकोगे, क्योंकि पितामह के विरुद्ध धनुष उठाते हुए पहले दिन की तरह आज भी तुम्हारी आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। पितामह के प्रति मोह ने तुम्हारे मन को दुर्बल कर दिया है अर्जुन, दुर्बल कर दिया है। अब मैं दुर्बलता का प्रदर्शन नहीं करूंगा। मैंने अच्छी तरह देख लिया है, तुम्हारे ये दुर्बल हाथ धर्म की रक्षा के योग्य नहीं है। बस एक अवसर और दो, मेरा विश्वास करो। मेरी भूल के कारण तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने और शस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे क्षमा कर दो और सुदर्शन को वापस रख लो। तुम सच कह रहे हो अर्जुन? चलो केशव, वापस अपने रथ पर चलते हैं। जय हो भक्त वत्सल की, जय हो प्रभु। प्रभु आपने मेरी लाज रख ली, इसलिए मुझे अपने चरण छूने दो। पितामह, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। नहीं प्रभु नहीं, ये सब आपने मेरे लिए ही किया है। कोई जाने न जाने, परंतु मैं जानता हूं कि आपने अपने इस तुच्छ भक्त की बात रखने के लिए ही सुदर्शन धारण किया है। ये आप क्या कह रहे हैं पितामह? प्रभु, मैं सच कह रहा हूं। जिस समय आपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, उस समय मैंने भी बिना सोचे समझे जोश में आकर आपकी प्रतिज्ञा तोड़कर आपको शस्त्र उठाने के लिए विवश करने की प्रतिज्ञा की थी। परंतु बाद में भूल समझ में आ गई कि मुझ जैसा तुच्छ भक्तों क्या भगवान को कोई भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर विवश नहीं कर सकता। परंतु आप तो भक्त वत्सल है ना, आपको तो ये कदापि स्वीकार नहीं था
क्या आपके भक्त की बात खाली जाए? कोई जाने ना जाने, परंतु मैं जानता हूं कि आपने केवल इस भक्त का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। प्रभु, आप सचमुच भक्त वत्सल हैं और बस यही मेरी जीत है। प्रभु, इस युद्ध में मेरी सबसे बड़ी जीत यही है प्रभु कि आपने मेरी खातिर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। प्रभु, बस केवल एक बात का खेद रह गया। वो क्या पितामह? यही कि जब आपने सुदर्शन धारण किया तो मैं खुशी से पागल हो गया। मुझे लगा कि अब मेरे मुक्त होने का समय आ गया है, अब मुझे आपके हाथों मरने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और खुशी के आवेश में मैंने मन ही मन अपनी गंगा माता को पुकार कर कहा कि हे गंगा मैया, देख तू कहती थी कि अपने भगवान कृष्ण को सामने रखकर मरना, मैं तो उन्हीं के हाथों मरने जा रहा हूं। परंतु अर्जुन, तूने मुझसे मुक्ति का वो क्षण छीन लिया है। जा, अपने रथ पर जा, जा अर्जुन, पूरी शक्ति से प्रहार कर। एक क्षत्रिय योद्धा की भांति, एक पोते की भांति नहीं, जा। बधाई हो महाराज, प्रभु कृपा से पितामह भीष्म बच गए। क्या कहते हो संजय? पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, उन्हें कोई नहीं मार सकता, स्वयं कृष्ण भी नहीं। महाराज, इच्छा मृत्यु का अर्थ है कि उनके इच्छा के बिना उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि श्री कृष्ण का सुदर्शन उनकी भुजाएं नहीं काट सकता, क्योंकि श्री कृष्ण यदि चाहते तो उन्हें जीवित रखकर भी पितामह के शरीर को बेकार कर सकते थे। उनके हाथ और पैर काट देते तो पितामह का जीवित रहना या मर जाना दोनों एक बराबर हो जाता। तुम ठीक कहते हो संजय। अच्छा हुआ कृष्ण को यह बुद्धि नहीं आई। सुदर्शन चक्र धारण करके इस युद्ध में शस्त्र ना धारण करने की अपनी प्रतिज्ञा भंग की है। हाँ देवी, प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र धारण किया, क्योंकि ये आवश्यक हो गया था। परंतु क्यों भगवान? अधर्म को धर्म पर विजय प्राप्त करने से रोकने के लिए देवी। तो क्या भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कौरवों को कोई नहीं रोक सकता? देवी, जब तक भीष्म पितामह युद्ध कर रहे हैं, पांडवों का जीतना असंभव है, क्योंकि पितामह भीष्म को भीष्म ही पराजित कर सकता है। पितामह भीष्म एक कर्मयोगी हैं, उनके पास दिव्य अस्त्रों का भंडार है। त्रिलोक में ऐसा कोई महावीर नहीं जो भीष्म को परास्त कर सके। इसीलिए आप कह रहे हैं कि भीष्म को केवल भीष्म ही परास्त कर सकते हैं? हाँ देवी, पितामह के कारण कौरवों को प्राप्त विजय और पांडवों की हार का अर्थ है धर्म की हार। देवी, आप तो जानती हैं कि प्रभु ने धर्म की रक्षा और स्थापना तथा अधर्मियों का नाश करने के उद्देश्य से ही मानव अवतार लिया है। फिर भला वो अधर्म को धर्म पर विजय प्राप्त करने का अवसर कैसे दे सकते थे? यही कारण था देवी कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा भंग करके पितामह भीष्म को रोकने और उन्हें शिक्षा देने गए थे। प्रतिज्ञा भंग करके
भला पितामह को प्रभु कौन सी शिक्षा देते, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देवी, प्रतिज्ञा संयम का ही एक श्रेष्ठ रूप है। प्रतिज्ञा मोह और आकर्षण से अलिप्त रहने के लिए किया हुआ श्रेष्ठ विचार है। प्रतिज्ञा अपने आप को बंधन में रखने के लिए की जाती है, परंतु जब धर्म, समाज और अपना देश संकट में पड़ जाए, तब प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे रहना अधर्म के बराबर है। तो प्रभु स्वयं ये अधर्म कैसे कर सकते हैं? इसीलिए वो अपने आचार से ये बता रहे थे कि धर्म की सुरक्षा में एक पल का भी विलंब नहीं करना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण करके पितामह भीष्म के माध्यम से समस्त संसार को यही शिक्षा देना चाहते हैं। कृष्ण, तुम्हें सुदर्शन चक्र धारण करना पड़ा, भगवान होकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। मैं जानती हूं, अच्छी तरह जानती हूं, इसका कारण मेरे गांडीवधारी पति हैं, युद्ध भूमि में जिनकी कायरता के प्रदर्शन से स्वयं परमेश्वर को हथियार उठाना पड़ा। मैं पूछती हूं, यदि प्रतिज्ञा तोड़ ही दी थी और सुदर्शन धारण कर ही लिया था, तो फिर हाथ क्यों रोक लिया? मचा देते प्रलय, समाप्त कर देते इस युद्ध को, ताकि मुझे अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए और अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। जो काम मेरे पति नहीं कर सकते, वो काम मेरा भैया, मेरा सखा ही कर देता। पांचाली, मेरा सुदर्शन चक्र धारण करना आवश्यक हो गया था, परंतु उसका प्रयोग नहीं, इसलिए कि सुदर्शन चक्र धारण करके मैं अलग अलग लोगों को अलग अलग शिक्षा देना चाहता था। एक ओर मैं शत्रुओं को जताना चाहता था कि मेरे होते हुए अधर्मियों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो धर्म पर विजय प्राप्त कर सके। सुदर्शन को देखकर शत्रुओं के मन में मृत्यु का भय बैठ गया था, और दूसरी ओर मैं प्रारब्ध और अपनी प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे हुए एक भले मनुष्य को यह समझाना चाहता था कि जब धर्म संकट में हो तो प्रतिज्ञा को निभाना धर्म नहीं, प्रतिज्ञा को तोड़ना ही धर्म है। तुम पितामह की बात कर रहे हो ना? हाँ पांचाली। यदि पितामह इतना जानते कि किन परिस्थितियों में कौन सा धर्म निभाना चाहिए, तो द्यूत सभा में मुझे निर्वस्त्र किए जाने के निर्लज प्रयास पर वो चुप क्यों बैठते, और ये युद्ध क्यों होता? परंतु युद्ध में अब भी जिन परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, उन परिस्थितियों में यदि मैं सुदर्शन धारण ना करता, और जैसे पितामह द्यूत सभा में चुप बैठे थे, मैं भी चुप रहता, तो उचित नहीं होता? कृष्ण, तुम मेरे भाई हो, द्यूत सभा में तुम्ही ने मेरी लाज की रक्षा की थी, जबकि मेरी लाज की रक्षा की पहली जिम्मेदारी उनकी है जिनकी मैं अर्धांगिनी हूं। गांडीवधारी को मेरे अपमान का विचार करके गांडीव उठाना चाहिए था, कृष्ण, मेरे अपमान का विचार करके, परंतु उन्हें मेरे अपमान का नहीं, पितामह के प्राण की चिंता है, गुरुदेव द्रोण के मान की चिंता है, और गुरुपुत्र अश्वत्थामा की चिंता है। एक तुम्हारे अतिरिक्त
किसी को मेरे मान अपमान की चिंता नहीं है केशव, किसी को नहीं। बीती बातों को भूल जाओ पांचाली, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अर्जुन ने मुझे सुदर्शन का प्रयोग करने से रोकते हुए यह प्रतिज्ञा की है कि अब वो डटकर युद्ध करेगा और कौरवों को परास्त करेगा। उन्हें शत्रुओं को हर परिस्थिति में परास्त करना ही है, इस बात पर विश्वास करके ही जी रही हूं। और अब तुम अपने मुख से ये बात इतने विश्वास से कह रहे हो तो मेरे विश्वास को भी बल मिल रहा है। परंतु कृष्ण, पार्थ ने हम दोनों के विश्वास को बार बार तोड़ा है, क्या इस बार वो अपना वचन पूरा करेगा? अवश्य करेगा, तुम विश्वास रखो। वो निर्बल नहीं है, भावुक है, उसके मन में बड़ों का आदर है, यही उसका गुण भी है और यही उसकी कमजोरी। इसलिए मैंने स्वयं सुदर्शन धारण किया, क्योंकि सुदर्शन धारण करने का अर्थ था कि अब अर्जुन से कुछ नहीं होगा और उसकी जगह कृष्ण युद्ध करेगा। ये उसकी वीरता का बहुत बड़ा अपमान होता, इसीलिए मैंने उसकी वीरता के अहंकार पे चोट की और ये चोट कारगर हुई। अब वो निश्चय ही वीरों की भांति युद्ध करेगा। तुम उस पर भरोसा रखो पांचाली।